हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ दोस्ती। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके आपको दिखाया था। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो इस क्वेश्चन में है कि एक लाइट हाउस 75 मीटर हाइट की है और यहाँ से देखने पर जो शिप लाइट हाउस की ओर आ रही है, दो शिप हैं डी एंड सी। तो यहाँ से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन एक शिप के साथ जो फॉर्म हो रही है वो 30 डिग्री हो रही है और दूसरे शिप के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रही है वो 45 डिग्री हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो ये एंगल सी 45 डिग्री की होगी। तो हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल करते हैं। यहाँ 30 डिग्री है तो डी 30 डिग्री हुआ, यहाँ 45 डिग्री है तो एंगल सी के प्लेस पर 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो लिखेंगे लेट ए बी रिप्रेजेंट द लाइट हाउस ए बी इक्वल टू 75 मीटर एंड द टू शिप्स सी एंड डी such that angle of depression from A 45 degree and 30 degree respectively। तो हमें फाइंड करनी है C और D के बीच क्या डिस्टेंस है दोनों शिप के बीच। इसे फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेंगे, फिर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ABD लेकर हम लोग C और D के बीच डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में टेन 45 लेते हैं तो ए बी बाय बी सी होगा, रिकॉर्ड 45 डिग्री लेंगे तो बी सी बाय ए बी लिखेंगे। तो हम लोग टेन 45 डिग्री को कंसीडर करते हैं, टेन 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी होगा। टेन 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है और ए बी के प्लेस पर 75 होगा और बी सी के प्लेस पर बी सी लिखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर बी सी इक्वल टू 75 मीटर। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी लेंगे हम लोग, राइट ट्रायंगल ए बी डी तो 10-30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी डी होगा। टेन 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है और ए बी के प्लेस पर 75 होगा और बी डी को बी डी लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर बी डी इक्वल टू 75√3 मीटर, ये बी से डी के बीच डिस्टेंस हुआ। तो हमें फाइंड करनी है सी और डी के बीच डिस्टेंस सी डी। लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स सी डी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, करने से सी डी फाइंड हो जाएगी। तो लिखेंगे बी डी माइनस बी सी, सी डी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। बी डी की जो वैल्यू है 75√3 मीटर और बी सी 75 मीटर।
75 कॉमन हो जाएगा, रूट सी माइनस वन मीटर, ये सी डी के बीच डिस्टेंस फाइंड की गई। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों सीप के बीच डिस्टेंस को फाइंड किया। आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नंबर को लेकर। बाय बाय।